तो स्वागत है आपका तूफान खबरों में। मैं हूँ लक्ष्मण मालवणकर और आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर अपने सामने यह आ रही है कि अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर पूरे बॉलीवुड जगत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ही दुखद खबर है। मुंबई के हिंदुजा रुग्णालय में आज सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि कई बार वह हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उन्हें कई तरह की तकलीफ थी लेकिन उनके बावजूद उनकी पत्नी सायरा बानू उनके साथ बनी हुई थी। और आपको बता दें कि कई बार उनको पुरस्कार भी मिले हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी दर्ज किया गया है। वह एक जाने मानी हस्ती थे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर द्वारा अपने ट्वीट में कहा है कि दिलीप साहब सिनेमा के लेजेंड के रूप में याद किए जाएंगे। वे अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे जिसके कारण कई पीढ़ियों तक दर्शक उन पर फिदा रहे हैं। उनका जाना हमारी संस्कृति दुनिया के लिए क्षति है। धन्यवाद। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल तूफान खबरों के साथ। धन्यवाद।